थर्माकोल शीट को इस तरह से कट कर दिया। यार आपने एरोप्लेन के विंग्स देखे हैं क्या? वो भी कुछ इस तरह से होते हैं ना, नीचे से एकदम फ्लैट और ऊपर से इस तरह से कर्व होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है पता है क्या? देखो ध्यान से, जब एरोप्लेन रनवे पे रन करता है तो एयर उसको ड्रैग फोर्स लगाएगा, राइट। नीचे से ये जो विंग्स होते हैं, नीचे से प्लेन होने के कारण जो एयर है वो एज इट इज फ्लो होगी, ठीक है। तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। बट टॉप पोर्शन में इस तरह से कर्व शेप होने के कारण एयर का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। और आपको पता है जब एयर की स्पीड बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है। बात समझ में आई क्या? टॉप पे प्रेशर कम है, बॉटम पे प्रेशर ज्यादा है, तो एयर कैसे फ्लो होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसीलिए जब अपना प्लेन ऐसे जाएगा और जब यहां पे ऊपर में एयर की स्पीड बढ़ जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा तो अपना प्लेन जो है वो टेक ऑफ